ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। प्रातःकाल लाइव के इस न्यूज बुलेटिन में मैं अलमास सिद्दीकी आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले, जिससे हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर राजस्थान के बहुचर्चित पेपर लीक से जुड़ी हुई है। वरिष्ठ शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण से लंबी पूछताछ के बावजूद जब उदयपुर पुलिस कुछ खास जानकारी नहीं निकाल सकी तो 9 दिन की रिमांड पूरी हो जाने पर उसको कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। भूपेंद्र सारण ने पुलिस को बताया है कि उसे 40 लाख रुपए में जयपुर के टीचर शेर सिंह मीना ने पेपर उपलब्ध कराए थे, जिसे बाद में 5 लाख रुपयों में बेचा गया था। अनिल उर्फ शेर सिंह मीना फिलहाल पुलिस गिरफ्त से दूर है। इस मामले में पुलिस लगातार जयपुर, जालोर व बाड़मेर में दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। ये समाचार जालोर से है, जहां भादरा जोन पुलिस स्टेशन की एरिया में देसी शराब की दुकान के मालिक को धमकाया गया है। मौके से मिले सीसीटीवी फुटेज में काउंटर पर मौजूद कुछ युवक शराब की दुकान के कर्मचारियों को धमका रहे हैं, जिसमें एक युवक आरोपी का पैर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पता चला है कि आरोपी फ्री में शराब मांग रहे थे, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। आरोपियों ने इस बीच 1 लाख रुपए की चैन भी लूट ली। आरोपियों में से एक लक्ष्मण सिंह राजपूत की पहचान की गई है, उसको लेकर कुल 7 से 8 युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। भादरजून पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जालोर के रानीवाड़ा भीलमाल मार्ग पर कोटरा के पास गोलाई में एक वाहन के अनियंत्रित होकर पलटने से उसमें सवार सायला निवासी महेश्वरी परिवार के मदन लाल नागराज, मेघराज किशन लाल, गौरी देवी मेघराज, राम प्यारी मदन लाल और चेतन कुमार मदन लाल गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को रानीवाड़ा CHC पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें सांचौर के लिए रेफर कर दिया गया। वहां सभी का इलाज किया जा रहा है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र में सड़क पर अचानक मवेशी आ जाने से बाइक सवार पति पत्नी नीचे गिर गए। आवा गांव बेरा सुकड़ी के निकट रहने वाले रमेश पुत्र भवरलाल चौधरी अपनी पत्नी संतोषी सिरवी के साथ एक शादी में जा रहा था। इस दौरान अचानक उनकी बाइक के आगे मवेशी आ गया, जिससे टकराने से दोनों नीचे गिर गए। सिर में गंभीर चोट लगने से संतोष सिरवी की मौके पर ही मौत हो गई और रमेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद पाली रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। उदयपुर में कानपुर के पास आयर नदी के पानी में एक वृद्ध की लाश पाई गई है, जिसे निकालकर प्रताप नगर पुलिस MB हॉस्पिटल मोसरी में पहुंचाया है। मृतक की पहचान 65 वर्षीय महेंद्र परिहार के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी, जिसके बाद परिजन मोसरी पहुंचे। मृतक की मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। महेंद्र होली के दिन से ही गायब थे। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजनों ने बताया है कि परिहार की याददाश्त भी कमजोर हो गई थी और वो मानसिक रूप से भी कमजोर था। नदी में लाश मिलने के बाद से परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। चित्तौड़गढ़ में कोतवाली थाना इलाके में भीलवाड़ा रोड पर ईरानी रेजिडेंसी में कुंभनगर हॉल उदयपुर निवासी अनामिका पुत्री कलिका दत्त व्यास द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली है। एक प्राइवेट बैंक में जॉब करने वाली अनामिका जब ड्यूटी पर नहीं पहुंची तो उसका एक साथी फ्लैट पर गया, वहां उसे अनामिका को फंदे से लटका हुआ देखा तो उसके होश उड़ गए। सूचना मिलने पर चित्तौड़गढ़ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतारा गया। इसके बाद उदयपुर में रहने वाले अनामिका के परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों के आने के बाद अनामिका का शव पोस्टमार्टम के बाद उन्हें सौंप दिया गया। अनामिका द्वारा खुदकुशी किए जाने के कारणों की पुलिस जांच कर रही है। ये खबर जालोर से है, जहां विशनगढ़ पुलिस द्वारा ऐसे 4 आरोपियों को धर दबोचा गया है, जिन्होंने उम्मेदाबाद के विष्णु मार्केट में गणपत सोनी की ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के इरादे से दुकान का शटर तोड़ दिया था। गिरफ्तार आरोपियों में हर्षिन कुमार पुत्र जबरा राम, जगा राम पुत्र गलबा राम गवारिया, पपियानाथ पुत्र भमरा राम, रमेश कुमार उर्फ आंधिया पुत्र हरमाता राम का समावेश है। आरोपियों ने पूरी मार्केट से बिजली के बल्ब निकाल दिए और लाइट भी काट दी थी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए थे।
पाली जिले की तखतगढ़ पुलिस दांत से एक शिक्षक का अंगूठा काटने वाले बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया है कि टीचर रमेश कुमार पुत्र बाबूलाल सुथार अपनी पत्नी महेश्वरी देवी के साथ एक खेड़ावास रिश्तेदार के यहां जा रहा था। इसी दौरान बाइक पर दो युवक आए और गंदी गंदी गालियां देने लगे। इस पर शिक्षक ने उनको टोका तो बाइक से उतरकर उनसे मारपीट किया और एक युवक ने दांतों से उनके अंगूठे को काट लिया, जिससे के दो टुकड़े हो गए और दूसरे युवक ने उनके सिर पर किसी वस्तु से मारा और वहां से फरार हो गए। संजीवनी हॉस्पिटल सुमेरपुर में शिक्षक के अंगूठे को फिर से जोड़ने के लिए ऑपरेशन करना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। इसी तरह की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रातःकाल लाइव। धन्यवाद। आप ये कार्यक्रम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।